नमस्कार, वक्त दोपहर के 1 बजे का है। आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार नहीं संत बनाएंगे राम मंदिर, क्या धर्म संसद से खुलेगा राम मंदिर का रास्ता। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नीतू डवास प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ महंत आनंद गिरी धर्मगुरु जुड़ गए हैं, और साथ ही मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले महंत आनंद गिरी जी, क्या सरकार नहीं संत राम मंदिर बनवाएंगे? आपका वक्त शुरू होता है सर, 1 मिनट का आपसे। बिल्कुल निश्चित तौर पे जा साहब, राम मंदिर का दायित्व, बिल्कुल जा साहब, राम मंदिर का दायित्व संतों का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से इसको किनारा करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल अपने अधीन जो अधिकृत भूमि है 65 एकड़, उसे तत्काल निर्मोही अखाड़े के सुपुर्द करे, और दो एकड़ का विषय सुप्रीम कोर्ट में है, उसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करें। मंदिर निर्माण का दायित्व संतों के हाथ में है, संत ही निर्माण करेंगे। राजनीतिक पार्टियों में इसको नहीं कूदना चाहिए। वह सड़क, अस्पताल और देश निर्माण में अपना योगदान दे, धार्मिक आस्थाओं के मध्य अपनी बात को ना रखे, ताकि देश का सौहार्द बना रहे, देश का सेक्युलरिज्म ठीक से चलता रहे, किसी का शत्रु ना बने। जहां 5 सेकंड सर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मुसलमान इस भारत का ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया, आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या संतों को ऐसा लगने लगा है कि सरकार अब मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकती है, इसलिए संत कह रहे हैं कि सरकार नहीं, अब हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे शिला लेकर और हम बनवाएंगे मंदिर। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हैं धर्मगुरु। आपके पास 1 मिनट का वक्त है शुरुआत में। मौलाना साहब, आप बताइए, क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि संत अगर पहुंच जाते हैं तो राम मंदिर का निर्माण आसान हो जाएगा, जो काम सरकार नहीं करवा पाई वो संत कर लेंगे? देखिए झा जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की हर एक आवाम, हिंदुस्तान का हर एक हिंदू भाई जो कि लुटा हुआ अपने आप को महसूस करता है, उन्होंने महसूस कर लिया है कि हुकूमत नहीं बना सकती है राम मंदिर। और मैं आपको बता दूं, साधु संतों की भी यही सोच है और हिंदुस्तान की एक आम जनता की यही सोच है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि साधु संतों के कहने से भी राम मंदिर नहीं बनेगा। राम मंदिर अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनेगा, तभी हिंदुस्तान के जो जमहूरियत है, जमहूरियत का ताना बाना मजबूत हो सकता है और यहां की डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। और जो लोग जबरदस्ती चाह करके कि हम राम मंदिर बना लेंगे, ये साधु संतों का काम नहीं है। साधु संतों का काम है, मौलवियों का, मुफ्तियों का काम है कि हिंदुस्तान के अंदर में आपसी अच्छाई बनी रहे, अच्छा दोस्तों के साथ दोस्ती बनी रहे। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा हमारे लिए, अगर फैसला होता है तो हमारे भाई का सपोर्ट होना चाहिए, और अगर हिंदू भाई का फैसला होगा तो हमें किन उनका सपोर्ट। मौलाना साहब, आपका वक्त खत्म हो गया, आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता नीतू डबास जुड़ गए हैं। नीतू डबास जी, क्या आपको लग रहा है कि संत अब हार गए हैं आप लोगों से? संतों को यह लग रहा है कि सरकार अब मंदिर नहीं बनवा सकती है, इसलिए हमें पहुंचना होगा, हम मंदिर का निर्माण करवाएंगे? आपका समय शुरू होता है नीतू जी, अब 1 मिनट का वक्त आपको हम सबसे पहले देंगे, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। जी, संत समाज की जितनी जो भी उन्होंने विषय उठाए हैं और लगातार राम मंदिर के लिए जो प्रयास है, उनका पूरा सम्मान है, हम पूरा सम्मान करते हैं। वो अपनी, ये भारत एक लोकतंत्र देश है और उनको जो लगता है जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहें। दूसरी बात जो आपने कही कि संत समाज हमारे सामने आ गया और हम जो है किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमने अर्जी दाखिल करके सितंबर 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब ये निर्णय आया कि यहाँ पर जो असलम भूरेलाल के भूरे का केस के बाद कि इस केस को रेफर आगे नहीं किया जाए, अगर हमारी ये नियत नहीं होती
तो हम इस प्रकार के प्रयास नहीं करते। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और हमने शुरू से ये रखा है कि संतों के द्वारा ही इस देश में जो है राम मंदिर का निर्माण होगा और इसमें आने वाली जितनी भी अड़चन होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4-4.5 साल से प्रयास नहीं बल्कि ये 1853 से हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयासों का ये नतीजा है कि आज इस समाज का एक एक वर्ग जो है सीएम बोर्ड से लेकर सभी नीतू जी आपका खत्म हो गया है और इस सरकार का टेन्योर भी खत्म होने वाला है और अब धर्म संसद में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफी हैं, क्या सरकार जो अब तक 4.5 या 5 साल होने को आ गए हैं सरकार ने जो किया है उससे संतों को नहीं लग रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो पाया, इसीलिए संत समाज अब यह कहने के लिए आगे बढ़ाए हैं कि हम वहां जाएंगे शिला लेकर जाएंगे। आनंद गिरी साहब, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग पहुंच जाएंगे 5,000, 10,000, 20,000 की संख्या में तो वहां राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? देखिए जा साहब, मैं आपको बताऊं कि हमें गोलियां खाने की आदत पड़ गई है, हमें डंडे खाने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस ने खूब गोलियां चलाई, खूब संतों को मारा, खूब गायों को मारा, उन्होंने अपने रुख को दिखा दिया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राम है ही नहीं, वो राम सेतु को तुड़वाने की बात कर रहे थे। पर अब जिस सरकार से अपेक्षा थी, ये सरकार अगर नहीं उतरती है तो हम फिर पुनः तैयार हो रहे हैं गाली गोलियां खाने के लिए और डंडे खाने के लिए। ये सरकार तय करे कि कांग्रेस के तर्ज पे चल करके हमें मारना चाहती है या फिर हमारे सम्मान में राम मंदिर को बनाना चाहती है। हम नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अब आगे रुख क्या रहेगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि राम हमारा जीवन का अस्तित्व है, जब राम नहीं तो कोई संत भी आराम से बैठने वाला नहीं है। अगर राम लला टेंट में रहेंगे तो सब संत भी जाकर के टेंट में ही निवास करेंगे। अब दूसरा कुछ भी विकल्प हमारे सामने नहीं है, ठीक है सर, कोई विकल्प वापस आपके पास आऊंगा। नीतू डबास, एक बार फिर से एक मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं और आप जरा यह बताइए कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। आप कह रही हैं कि सालों से आपकी पार्टी या फिर जब आप सरकार में आई तो आप लोगों ने प्रयास किए, प्रयास का फल क्या है, संत समाज को क्या मिला, देश को क्या मिला, उन करोड़ों हिंदुओं को क्या मिला जो राम मंदिर देखना चाहते हैं अयोध्या में? देखिए, ये कांग्रेस नहीं है जो भगवान श्री राम का के उनके अस्तित्व को नकार दे, ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि ये जो कार सेवकों पर गोली चला दे, ये भारतीय जनता पार्टी है और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ते हुए हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे और हमने लगातार प्रयास किए हैं। पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, लगातार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने लगातार श्री राम मंदिर का निर्माण हो उसमें आने वाली अड़चनों को दूर किया है। हमारे यहां से जो है नेता वकील बनकर कोर्टों में जाकर नहीं खड़े हुए हैं, हमने लगातार उन चीजों को सुलझाने की कोशिश की है और संतों से हमारा ये निवेदन है कि अच्छे तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लगातार बढ़े और उनका पूरा सम्मान है, उनके मंतव्य का पूरा सम्मान करते हम आगे जो भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड, लेकिन आपने अपनी बात पूरी कर ली पहले ही। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीका, आपकी पार्टी कह रही है, आपकी सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है उसके बाद हम करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जमीन लौटा दीजिए जिसको लेकर विवाद नहीं है, तो क्या एक तरीके से आप बरगलाने की कोशिश नहीं कर रही? आपसे मैं ये सवाल, इसका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। ज़ियाई साहब, एक मिनट का वक्त वापस आपको दे रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बहन बार बार ये कह रही है कि संवैधानिक तरीके से अगर ये साधु संत वहां पर पहुंचेंगे और जोर जबरदस्ती की कोशिश करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की उल्लेखना होगी, उसको पैरों तले रौंदेंगे, तो क्या वहां पर ईंट रखने देंगे या वहां पर शिला की शिलान्यास करने के लिए ये इजाजत देंगे? क्या गवर्नमेंट का स्टेप क्या होगा उस वक्त? गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको उठा करके जेल में डालेगी या फिर उनको कहेगी कि तुम वहां पर मंदिर बनाओ? ये सपोर्ट करेगी कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जाएगी या फिर हिंदुस्तान में सही वातावरण करने के लिए जमहूरियत को किया जाएगा? क्या स्टेप होंगे गवर्नमेंट के, वो भी वाज़े कर दे वो। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ये जमहूरियत का मुल्क है, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रीमो रहा है और हमेशा रहेगा। हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, हमें चाहिए कि हमारी बहनों को भी इस पर यकीन रखना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को भी भरोसा रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे लिए और उनके लिए सबके लिए बेहतर होगा। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी इंतजार करना चाहिए। 5 सेकंड, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आप जवाब देना चाहते हैं। मैं आनंद गिरी साहब,
डिबेट को ओपन कर रहा हूं, आपके पास वापस लौट कराऊंगा, आप चाहे तो जवाब भी दे दीजिएगा, हमारे दूसरे मेहमान अगर सवाल उठाएंगे तो। लेकिन आनंद गिरी साहब आपके पास मैं आऊं उससे पहले नीतू जी ये बताइए कि सवाल तो खड़े हो रहे ना कि अगर साधु संत 50,000 की संख्या में वहां पहुंच जाते हैं तो कानून व्यवस्था को संभाल पाएंगे क्या आप लोग? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है और चुनाव सर पर है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का वादा किया था, भाषणों में कहते थे कि राम मंदिर बनवा कर देंगे, अब कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर लीजिए, अब कह रहे संविधान जो है उसके साथ चल लीजिए। जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, पहले मैं जो ये जिस तरह के कमेंट अब ये लोगों ने करना शुरू किया है, कुछ लोगों का ये शुरू से ही तरीका रहा है कि सुबह से शाम तक जो है मोदी सरकार को चिढ़ाते रहो। हमें इनके चिढ़ानों से ना इनके तर्कों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट रही हैं। और रही बात, हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट तरीके से कहा था कि संवैधानिक तरीके से, जो आप ये हिंसा की बात बार बार उठा रहे हैं, हमारे ऐसी नीयत नहीं है। हम चाहते हिंदू समाज की प्रवृत्ति है कि वो इस संस्कृति में विश्वास करता है और श्रीराम में जो विश्वास, की संस्कृति में जो विश्वास करेगा भगवान श्रीराम के मंदिर में, कि इस तरह के जो है वक्त आप नहीं देंगे। लेकिन दूसरी बात मैं एक अपनी बात और स्पष्ट कर देती हूँ, कह देती हूँ, हमने बहुत सही तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो विवादित जो 67 एकड़ क्षेत्र का क्षेत्र जो है वहां पर विवादित नहीं है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी थी। इसके बाद हमने याचिका दायर की है कि और जबकि उस पर वो स्पष्ट हो चुका है, वो वक्त में बताना चाहूंगी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि वो बात नहीं है, ठीक है, वो हिंदुओं की जमीन है। अब जरा सुन लीजिए ना, हम सुप्रीम कोर्ट की लेते हुए समाज से सभी वर्गो समाज से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। धर्मगुरु आनंद गिरी हमारे साथ, आप क्या, आपकी सोच क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? अगर वो संत वहां जाकर के जोर जबरदस्ती राम मंदिर की तामीर की कोशिश करेंगे, उनके बारे में आपकी हुकूमत का क्या प्लान है? आप इस तरह की भड़काऊ बातें कह के कि वहां पर आप कैसे अपेक्षा करके कि वो इस तरह से हिंसा फैलाएंगे, आप कैसे यहां पर बैठकर कह सकते हैं कि वो हिंसा फैलाएंगे? अरे मुहतरमा, कैसी भड़काऊ की बात कर रहे हैं? 21 तारीख को, 21 तारीख से वहां जाने की बात हो चुकी है। दूसरी बात, 21 तारीख को साधु संतों ने कूच करने का ऐलान कर दिया है। जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर शिला रखी जाएगी, वहां पर मंदिर निर्माण की गुफ्तगू होगी, उस बारे में आपकी राय है या नहीं? को ठीक करने की कोशिश आप पहले ही अपने ऐसे वक्त में, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, हमारे शो में सम्मान करेंगे, वहां पर मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं। सहमत क्यों नहीं हो? मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान चाहता हूं, ठीक है नीतू जी, भाषाई दंगा ना हो कम से कम, एक सेकंड, भाषाई दंगा ना हो कम से कम, हमारे दोपहर के दंगल में, दोपहर के दंगल में कम से कम भाषाई दंगा ना हो। इससे बड़ा कोई साधु संत है मोहतरमा? बार बार हिंसा की बातें क्यों उठा रहे हैं आप? क्यों अपेक्षा, क्या आप साधु संतों की इस तरह से उनके रिस्पेक्ट करते हैं कि वहां पर वो हिंसा करने जाएंगे? अरे मोहतरमा, हिंसा की बात नहीं हो रही है, कानून की बात हो रही है, कानून के राज की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा क्या नहीं होगा? साधु संतों की कैसी इमेज आप टीवी पर बैठकर बोला? अरे हिंदुस्तान में कानून का राज चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऊपर होगा या साधु संत ऊपर होंगे या आपकी हुकूमत ऊपर रहेगी, इस बात को वाजह करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा, हिंदुस्तान जानना चाहता आपसे। कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता जो साधु संतों ने हिंसा की है ऐसे वक्त में बैठ। अरे बहन, आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि उनके साथ आपका व्यवहार क्या होगा। ठीक, आपको बताना पड़ेगा लोगों को क्या होगा। नीतू एक सेकंड रुक जाइए, बहुत देर से महंत आनंद गिरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये लोग साहब, वापस आ रहा हूँ मैं आपके पास, वापस आ रहा हूँ। आनंद गिरी कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद गिरी क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। मौलाना साहब को मैं बताना चाहता हूं कि हम हिंदू हैं, हम आप नहीं हैं कि कश्मीर बर्बाद करेंगे, आसाम बर्बाद करेंगे, आजमगढ़ बर्बाद करेंगे, हम हिंदू हैं। एक सेकेंड, महंत आनंद गिरी साहब, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप महंत आनंद गिरी साहब माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन कम से कम इस तरह की बातों का इस्तेमाल, इस तरह की भाषा और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। जानते हैं आनंद गिरी साहब, आप जानते हैं, संत हैं, महंत हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप मत बताइए हमको। उन साधु संतों महंतों के बारे में आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है वो? हम आप नहीं है, हम कश्मीर में, कश्मीर की हालत देखिए आप, उसके बारे में आपकी आसाम की हालत देखिए आप, आजमगढ़ की हालत देखिए आपने, बैठे हैं तो उसको, हम हिंदू हैं, आपके जैसे नहीं है हम कोई काम करेंगे दायरे में रहकर करेंगे, दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट आपके पास है, हम दायरे के बाहर नहीं जाएंगे, आपकी तरह आप चिंता मत करिए। संविधान हमारा मंदिर है, संविधान की पूजा हम करते हैं, हम आपकी तरह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को हम आपकी तरह नहीं है। मौलाना साहब याद रखिएगा, हम आपकी तरह नहीं है, जानना चाहता है लॉ एंड ऑर्डर। एक सेकंड, मुफ्ती मंजूर,
मुफ्ती हम हमें मुफ्ती साहब हमें अच्छी तरह मुफ्ती साहब एक एक करके देखिए इसीलिए हम एक मिनट का वक्त देते हैं आपके तमाम मेहमानों को। प्रणाम मुफ्ती साहब शांत हो जाइए और गिरी साहब आप भी शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। सबसे पहले आनंद गिरी साहब मैं आपको एक मिनट का वक्त देता हूँ, एक सेकंड समझाइए। आप मुफ्ती साहब शांत हो गए, आनंद गिरी साहब आप भी शांत हो जाइए, आनंद गिरी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। समझाइए जो मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आनंद गिरी शांत हो जाइए, कम से कम सवाल सुन लीजिए जो हमें। महान साहब सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल ये है, दो बातें हैं, एक तो ये कि क्या सरकार पर आप लोगों का अब विश्वास नहीं रह गया, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद वहां पहुंचकर शिलान्यास कर देंगे, शिला लेकर पहुंचेंगे, सवाल एक। और दूसरा सवाल ये कि अगर आप कानून में विश्वास रखते हैं, आप संसद में विश्वास रखते हैं, आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, तो क्या फैसले का इंतजार करने के लिए आप लोगों के पास अभी इतना वक्त नहीं है? क्या संयम नहीं है आप लोगों के पास? महंत जी एक मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है, आप बोलिए। अरे झा साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने एक बात अभी कही है कि हम 65 एकड़ जमीन पुणे निर्मोही अखाड़े को दे रहे हैं। हमारा सीधा सीधा मानना यह है कि जो 65 एकड़ जमीन है वो जमीन अगर हमको मिल जाती है तो हम अपनी छावनी बना के वहां रहेंगे। हमारी आस्था डोल रही है जिसके कारण हम चाहते हैं कि हमारे रामलला अगर टेंट में रहेंगे तो हम टेंट में जाकर के वहीं निवास करेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं देती तब तक हम वहीं निवास करेंगे। जो 2 एकड़ भूमि सुप्रीम कोर्ट में विवादित है उसके ऊपर हम हाथ भी डालेंगे, नवाज जाएंगे, ये हमारा मानना है। और दूसरी जहां तक रही बात केंद्र सरकार की, तो उनपे पूरा विश्वास था, है और रहेगा, इन्हीं को दोबारा बनाएंगे। और इतना विश्वास है मौलाना साहब, मोदी ने क्या किया जाकर के दुबई वालों को पूछिए, जहां गीता पढ़ाना शुरू कर दिया गया, जहां मंदिर बनाना शुरू कर दिया गया है, मंदिर दुबई में बन गया है। आप भारत की चिंता छोड़ दीजिए, यहां तो मंदिर बन ही जाएगा। आप घबराइए मत उस बात को लेकर। आपका विश्वास दिख रहा है, अगर आप लोगों का विश्वास होता आप लोग कम से कम ये कहते कि ये सरकार जब तक है तब तक हम लोग अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, सरकार पर छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब क्या आप लोग रास्ता रोक लेंगे अगर संत वहां पहुंचेंगे तो? आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं सर, बोलिए। जी देखिए, हम ना रास्ता रोकेंगे ना ही हम किसी आंदोलन में शामिल होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की किताबों को बांटेंगे, आयन की किताबें हम महाराज को पेश करेंगे और आयन की किताबें महाराज के हाथों में देके कहेंगे कि साहब इससे बड़ा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये वो मुल्क है जिस मुल्क में आयन का राज चलता है, तो कम से कम आयन का राज चलने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रहने दीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए। हम किताबें उसी बांटेंगे, हम रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि हम आयन की किताबें हमारे करके कहेंगे कि आयन की किताबें और लॉ एंड ऑर्डर का इशू खराब ना कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, हम कम से कम उन्हें आगाह करने जरूर जाएंगे। आपका 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त हो गया है मौलाना साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। नीतू डबास आपके पास मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड का वक्त है, आखिरी 30 सेकंड है, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम बताएं सरकार की नीति और सरकार क्या चाहती है, क्या चुनाव से पहले आप लोग कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो आस्था है वो बनी रहे आपकी पार्टी पर भी, सरकार पर भी और राम मंदिर को लेकर भी? नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले इंटरव्यू में यह साफ कहा था, हम संवैधानिक तरीके से भव्य राम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार को कोई भी स्टैंड लेने का जब स्पष्ट रास्ता दिखाई देते हुए कि किस कोई निर्णय हमें लेना होगा तो हम डेफिनेटली निर्णय लेंगे। हमने लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है, लगातार हमने निर्णयों का इंतजार किया है, लगातार हमने लड़ाई लड़ी है। फिर एक बार मेरी पूरी बात इसके बाद जो आपके नेता कह रहे हैं भाई, आप लोग भी कह रही हैं और संत समाज इसीलिए लगता है कि कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे प्रयागराज से अयोध्या तक, और 21 तारीख उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने कहा कि 21 तारीख को हम वहां पहुंचेंगे और शिला लेकर पहुंचेंगे। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ नेशन।